आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ है एक्टिविटी 6.7। इसमें आपको कुछ फील्ड वर्क्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको एक लोकल हेल्थ सेंटर विजिट करना है जिसमें आपको ह्यूमन बीइंग्स के हीमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में पता करना है और कुछ कंपैरिजंस भी करने हैं, जैसे कि बच्चों में और एडल्ट्स में क्या ये कंटेंट सेम रहता है हीमोग्लोबिन का, और मेन और वीमेन में ये हीमोग्लोबिन कंटेंट किस तरह डिफर करता है। दूसरे में आपको वेटनरी क्लिनिक विजिट करना है और कुछ एनिमल्स के हीमोग्लोबिन कंटेंट का डिफरेंस पता करना है, जैसे कि काउ और बफेलो का और उनके बच्चों का। हम इसके बाद से पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। इससे पहले के सेक्शन में हमने देखा है कि हमारा ब्लड फूड ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स कैरी करता है। इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9 में हमने जाना है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम कंटेन करता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। जिसमें जो सेल्स हैं वो लटके हुए होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। और ये प्लाज्मा फूड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा कैरी किया जाता है। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। कुछ और भी सब्सटेंस जैसे कि कुछ सॉल्ट्स भी ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं। Thus we need a pumping organ to push blood around the body. इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पुश कर सके। A network of tubes to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. ब्लड हर ऑर्गन के पास पहुंचे, ये इसलिए भी जरूरी है कि कोई डैमेज हो तो उसे रिपेयर किया जा सके। Our pump the heart. हर्ट जो है वो हमारा पंप है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द हर्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हर्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हर्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के द्वारा चूंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और हर्ट इन दोनों को पंप करने का काम करता है, इसलिए हमारे हर्ट में कुछ ऐसे चैम्बर्स होने चाहिए जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन दोनों को बाइफरकेट कर सके, अलग अलग कर सके। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रिच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ऐसा ब्लड जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, उसको लंग्स तक पहुंचने की जरूरत होती है ताकि उसे ऑक्सीजनेट किया जा सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सके और ऑक्सीजन गेन कर सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हर्ट। लंग्स में ब्लड के ऑक्सीजनेशन के बाद वापस उसे हर्ट में आना होता है ताकि उसे पूरी बॉडी में पंप किया जा सके। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद हमारा हर्ट उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। यह है हमारा पूरा हर्ट। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जैसे कि लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल। ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये हैं पल्मोनरी वेन्स। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ आप एक बात गौर कर सकते हैं, ये सेक्शन राइट की तरफ दिख रहा है पर इसे लेफ्ट आर्टरियम कह रहे हैं, ये सेक्शन लेफ्ट की तरफ दिख रहा है पर इसे राइट आर्टरियम कह रहे हैं। क्योंकि ये हर्ट की फिगर आपके सामने है, इस हर्ट को आप अपने बॉडी के अंदर इमेजिन कीजिए, तो राइट साइड आपको लेफ्ट की तरफ लगेगा और लेफ्ट साइड राइट की तरफ। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं क्लियर करना चाहता था। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। किस तरह हर्ट में ब्लड आता है, बाहर जाता है, तो इनके स्टेप्स को भी हम देखेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हर्ट ऑन द लेफ्ट आर्टरियम। ये येलो वाला पूरा पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, ये चेंबर लेफ्ट आर्टरियम कहलाता है। लंग्स में ब्लड के ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले कलेक्ट होता है। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। और जब लंग्स से ये ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट आर्टरियम, तब ये रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो साइकिल है वो एक के बाद एक होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लड रिसीव करने के बाद ये लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, while the next chamber, the left ventricle expands so that the blood is transferred to it. Left atrium जब सिकुड़ेगा तो इसमें collected blood left ventricle में बहेगा. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. सबसे पहले left atrium ने contract करा था, अब left ventricle contract करेगा, और जब left ventricle contract करेगा
तो जो ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्टेड है वो इस एओर्टा से होकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पूरा पंपिंग सिस्टम लगभग इसी तरह काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, द राइट आर्टरियम। ये जितने ब्लू वाले पोर्शंस हैं, ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है। जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है, अगेन ये राइट आर्टरियम रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। जब इसने ब्लड कलेक्ट कर लिया तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा, फुलेगा। अगेन जब इसकी बारी आएगी, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पुश करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारी पूरी बॉडी में। एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। डायलेट्स का मतलब है फूलना। जब राइट आर्टरियम ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल नीचे वाला चैम्बर डायलेट करेगा, फूलेगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल व्हिच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को पुश करेगा लंग्स की तरफ और वहां उसका ऑक्सीजनेशन होगा। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। क्योंकि इन वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इसके जो वॉल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं ताकि ये प्रेशर को सस्टेन कर सके। वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीजें वॉल्व्स हैं, ये दोनों वॉल्व्स हैं। एक बार जब आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ चला आया तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, और ऐसे में वेंट्रिकल से जो ब्लड है वापस आर्टरियम की तरफ ना जाकर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। लंग्स में किस तरह ऑक्सीजनेशन होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ। ये लंग्स कैपिलरीज हैं और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कैरी करती हैं, और ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हमारे हार्ट तक कैरी करता है ताकि वो पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो सके। और ये वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट तक आता है और हार्ट इसे पंप करता है लंग्स तक। तो उम्मीद है आप इस सिस्टम को समझ रहे होंगे। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में जाके ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व करता है। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। हार्ट में ये जो सेपरेशन है येलो और ब्लू का, दैट इज ये अलग अलग चैम्बर्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखते हैं। ऐसा करने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग से बचता है, जिससे हम फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेज पाते हैं और वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन हो पाता है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरह का सेपरेशन जो हमारे हार्ट में है हमारी पूरी बॉडी में अच्छे ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज अप एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इस तरह का सेपरेशन बर्ड्स में और मैमल्स में जरूरी है जो कि बॉडी टेम्परेचर के लिए एनर्जी को यूज करते हैं और उनकी एनर्जी नीड्स काफी हाई होती है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। और वैसे एनिमल्स जो एनर्जी को नहीं यूज करते बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और कुछ एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है वो अलाउ करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को, और उनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर्स ऑन देयर हार्ट्स एंड ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मछलियों में केवल दो चैम्बर का ही हार्ट होता है, ब्लड को गिल्स तक पंप किया जाता है, वहां वो ऑक्सीजनेट होता है और वहीं से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है वो पूरी बॉडी में। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेस थ्रू द बॉडी। एक बार जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तब हार्ट तक फिशेस में ब्लड एक ही बार पहुंचता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और हमारे हार्ट में या फिर दूसरे एनिमल्स के हार्ट में ये ब्लड दो बार जाता है। पहली बार जब वो बॉडी से पहुंच रहा होता है हमारे हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, और वहां से पंप किया जाता है उसे लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन के बाद वो वापस से हार्ट में आता है और फिर उसे पंप किया जाता है पूरी बॉडी में। तो ये हमारे हार्ट तक दो बार पहुंचता है और इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मोर टू नो ब्लड प्रेशर
अभी हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स दैट ब्लड एग्जर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वेसल के वॉल्स पर, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। और ये प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है वेन्स के मुकाबले। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन साइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल के समय ब्लड के द्वारा आर्टरी पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाए उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोल के समय जो प्रेशर आर्टरी पे ब्लड के द्वारा एग्जर्ट किया जाए उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो वो ब्लड को बाहर की तरफ पंप करेगा, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, 120 mmHg है। डायस्टोल के समय हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा, वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर कम है, वो 80 mmHg है। Hg मरकरी का सिंबल है, इसे हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी के फॉर्म में मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब इन आर्टरीज में कुछ रुकावट आ जाती है, और उस हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। और ये हाई ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो में बाधक होता है, ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं करने देता, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इट कैन लीड टू रैप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। और ये हाइपरटेंशन आर्टरी के रैप्चर का कारण हो सकता है, और इससे आर्टरीज के फटने के बाद उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, कितने तरह के ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारी पूरी बॉडी तक जाती है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्योंकि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड काफी ज्यादा प्रेशर में निकलता है, इसलिए आर्टरी के जो वॉल होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स हमारे अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक कैरी करता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। Instead, they have valves that ensure that the blood's flow only in one direction. क्योंकि veins जो blood carry करते हैं वो pressure में नहीं होते, इसलिए उनके valves को मोटा होना जरूरी नहीं है। बजाय इसके veins में valves होते हैं जो deoxygenated blood को पीछे बहने से रोकते हैं, जिससे ये बात ensure होती है कि वो एक ही direction में flow करेंगे। On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. किसी organ तक पहुंचने के बाद artery छोटे-छोटे arterioles में टूट जाती है, जिससे blood हर एक cell तक पहुंच पाता है और उसे nutrition, oxygen और भी सारी चीजें मिल पाती हैं। The smallest vessel have walls which are one cell thick are called capillaries. सबसे छोटा vessel जिसकी मोटाई एक cell के बराबर होती है उन्हें हम capillaries कहते हैं। Exchange of materials between the blood and surrounding cells take place across this thin wall. Blood और surrounding cell में जो भी exchange होता है ये इन capillaries के through ही होता है। The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. Capillary एक साथ जुड़ के veins बनाती हैं, और ये veins blood को उस organ या tissue से लेकर heart तक आते हैं। Maintenance by platelets. What happens if this system of tubes develop a leak? ये जो वेन्स और आर्टरी का सिस्टम है, क्या होगा अगर इसमें कोई लीक हो जाए, कोई छेद हो जाए? थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंज्योर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हमें कोई इंजरी होती है तो हम ब्लीड करने लगते हैं, हमारा खून बहने लगता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। इंजरी के समय हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो ब्लड लॉस है उसे मिनिमाइज किया जाए, जो ब्लड निकल रहा है हमारी बॉडी से कम किया जाए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर व्हिच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अभी जो हर्ट हमारा पंप है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, अगर उस सिस्टम में उसके जो पाइप्स हैं, जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें अगर कोई होल डेवलप हो जाता है तो जो प्रेशर बना रहा है हर्ट वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर कहीं लीकेज है तो।
टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिज लीक्स बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एज दीज पॉइंट्स ऑफ इंजुरी। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। जहां कहीं भी इंजरी होती है, लीक्स होते हैं, वहां ये ब्लड प्लेटलेट सेल्स प्लग करते हैं और उसे बंद करने का काम करते हैं। लिम्फ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। एक और तरह का फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, उसे हम लिम्फ कहते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स स्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। कैपिलरी के वॉल में कुछ छेदों के द्वारा ब्लड प्लाज्मा इंटरसेलुलर स्पेस में स्किप कर जाता है, जिससे ये फ्लूइड और लिम्फ बनता है। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है बट ये कलरलेस होता है और ब्लड प्लाज्मा से कम प्रोटीन कंटेन करता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। ये लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज को जाते हैं जो आगे चलकर लार्ज एक बड़ा लिम्फ वेसल बनाता है और फाइनली ये वेन्स में जाकर जुड़ जाता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ एब्जॉर्ब्ड और डाइजेस्टेड इंटेस्टाइनल फैट कंटेन करता है और बाकी के जो फ्लूइड हैं उन्हें वापस से ब्लड में मिलाता है। Transportation in plants, section 6.4.2. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in chlorophyll containing organs, namely leaves. हमने इससे पहले पढ़ा है कि प्लांट किस तरह CO2 लेता है और उसे फोटोसिंथेसिस करके पत्तों में स्टोर करता है। हमने इसके पीछे एक्टिविटी भी करी है। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। प्लांट के बॉडी ग्रोथ के लिए जो और भी मिनरल्स चाहिए प्लांट उन्हें भी अलग से लेता है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। प्लांट के कॉन्टेक्ट में जो सबसे ज्यादा रिच मिनरल का सोर्स है वो है सॉइल, जहाँ से वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और भी दूसरे मिनरल्स लेता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। और इन चीजों का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होता है और रूट इन्हें एब्जॉर्ब करता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कनेक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजिली डिफ्यूज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर रूट्स में और पत्तों में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है तो डिफ्यूजन से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पहुंच सकते हैं पत्तों तक। बट दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। अगर रूट्स और लीव्स में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा हो जाए तो रूट्स से लीव्स तक रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचाए जा सकते और लीव से रूट तक फूड नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए हमें अलग अलग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, इसलिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, अलग अलग प्लांट के बॉडी डिजाइन में अलग अलग एनर्जी नीड्स होती है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। प्लांट मूव नहीं करते, चलते फिरते नहीं है और वो एक बड़ा अमाउंट कंटेन करते हैं डेड सेल्स का। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। प्लांट की एनर्जी नीड्स कम है इसलिए एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें रॉ मटेरियल्स का एनर्जी का ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे होता है वो चलेगा प्लांट को। द डिस्टेंस ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितनी दूरी तक फूड या फिर रॉ मटेरियल ले जा सकता है ये वेरी कर सकता है। बड़े बड़े प्लांट्स में ये काफी बड़ा हो सकता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट। ये प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूट से रॉ मटेरियल और लीव से एनर्जी लेकर आता जाता है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये दोनों प्रक्रिया दो अलग अलग इंडिपेंडेंट पाथवेज के द्वारा होती है। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेंड फ्रॉम सॉइल। सबसे पहला है जाइलम जो कि वाटर और मिनरल को सॉइल से लेकर ऊपर तक जाता है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा है फ्लोएम जो कि पत्तों से फूड लेकर नीचे तक आता है या फिर पूरी बॉडी तक ले जाता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रकेट्स ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में
रूट से, स्टेम से और लीव से वेसल्स कनेक्टेड होते हैं ताकि वाटर चैनल पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंच सके। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। जो रूट है वो सॉइल से कॉन्स्टेंटली आयन एब्जॉर्ब करता रहता है। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड द सॉइल। रूट में और सॉइल में एक आयन डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है वो सॉइल से रूट की तरफ बढ़ता है। दिस मींस दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। इस डिफरेंस के कारण जो वाटर का मूवमेंट है वो हमेशा प्लांट में ऊपर की तरफ होता रहता है। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। लेकिन केवल ये आयन का डिफरेंस लंबे लंबे प्लांट्स में ऊपर तक वाटर नहीं पहुंचा सकता। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट कुछ और भी तरीके इस्तेमाल करता है ताकि जो वाटर है वो प्लांट में ऊंचे से ऊंचे जगह पर पहुंच सके। प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। अगर प्लांट के पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर हो, प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई हो, तो जो वाटर स्टोमाटा के द्वारा इवापोरेशन से बाहर चला जाता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, जड़ों से वहां तक पहुंच जाता है। इन फैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। अब चूंकि ये वाटर का इवापोरेशन स्टोमाटा के थ्रू लीफ से होता रहता है तो ये एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट के ऊपर के हिस्सों से जो वाटर का लॉस है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं वाटर का ट्रांसपिरेशन। दिस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्वड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। चूंकि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को रूट से लीफ तक खींचता है, अब ये रूट से वाटर सॉइल के थ्रू होकर आता है तो ये अपने साथ मिनरल्स या फिर और भी चीजें लेकर आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और वाटर का मूवमेंट टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम में आता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रूट में जो आयन के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो रात में ज्यादा जरूरी हो जाता है प्लांट में वाटर सप्लाई के लिए। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। दिन में तो स्टोमाटा खुला रहता है, इवापोरेशन होता रहता है, तो ये दिन में मेजर फोर्स बन जाता है जो कि वाटर को ऊपर पुल करेगा। लेकिन रात के समय जो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती है या फिर बहुत कम हो रही होती है, तो जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वो रूट वाला प्रेशर है जो आयन के डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। अब तक हमने प्लांट में वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट ही देखा है। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम देखेंगे कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, जो फूड है जो लीव्स में बना, वो वहां से दूसरे हिस्सों तक प्लांट के कैसे पहुंचता है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. तो फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कहलाता है और ये काम फ्लोएम में होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावे फ्लोएम अमीनो एसिड को भी ट्रांसफर करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। और ये चीजें डिलीवर होती है रूट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को या फिर और भी जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं, जो बढ़ने वाले ऑर्गन्स हैं, उनको डिलीवर होता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो सीव ट्यूब्स में होता है और इसमें हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स ताकि ये जो मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ होता रहे। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Xylem में हमने physical forces को दिखाया कि किस तरह ion difference बन रहा था, transpiration pull हो रहा था, जिससे water root से leaf तक पहुंच रहा था। लेकिन phloem में जो transport system है वो एनर्जी का इस्तेमाल करके होता है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सुक्रोज जो सुगर है वो फ्लोएम टिश्यू में एटीपी का इस्तेमाल करके, एनर्जी का इस्तेमाल करके होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट।
इस पर्टिकुलर काम से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाती है जिससे टिश्यू में वाटर फ्लो करता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टू टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मटेरियल्स को फ्लोएम टिश्यू में मूव करता है जहां की पहले से लेस प्रेशर था। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स। और इस चीज से प्लांट की जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स which need energy to grow. Example के लिए spring season में जो sugar root और stem में stored है वो buds तक जाता है ताकि उन्हें energy मिल सके grow करने के लिए, बड़ा होने के लिए।